में पूरी तरह से खतरे में है, ऑलरेडी कौन सकते हैं, लेकिन संविधान को बदलने की ताकत आपके पास नहीं है। मैंने इस बात को आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और आज यूनाइटेड फोरम ऑफ वोट फॉर इंडिया के जानिब से एक विशाल पदयात्रा निकाला गया। कोलकाता के रामलीला मैदान से लेकर रानी राजमुनि मोर्च शहीद मीनार तक इस विशाल रैली की डिमांड्स थी अनकंडीशनली सिटीजनशिप और मथुआ समाज, आदिवासी समाज, ओबीसी, यूसीसी कानून बनाने पर केंद्र सरकार रोक लगाए, एनआरसी पर रोक लगाए। आपको बता दूं इस रैली में हिंदुस्तान के अजीम ट्रेन शख्सियतों ने हिस्सा लिया, जिनमें मौजूद थे हर्ष मंदर साहेब, एक्स आईएएस ऑफिसर आर अंबेडकर साहब ते हैं जो बाबा अंबेडकर की पोते हैं, और दिगर हजरात। आपको बता दूं इस प्रोग्राम की तैयारी यूनाइटेड फोरम ऑफ वोट फॉर इंडिया की पूरी टीम, जिसमें मौजूद थे उमर अवेश साहब, मौलाना अशरफ अली काश्मी साहब, जावेद साहब, मौलाना अबू तहलाकमी साहब, राजू घोष, सुजॉय मंडल, मानिक फकीर और दिगर मेंबर। मुसलसल 24 सितंबर से जुड़ी थी, जो के पूरी मगरीबी बंगाल के कोने कोने में जाकर स्ट्रीट कॉर्नर के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही थी। और क्या कुछ कहना है प्रोग्राम में आए तमाम गेस्ट ऑर्गेनाइजर्स, आगे देखते हैं वीडियो में पूरी रिपोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से खतरे में है, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वादे किए गए, कहा था इस देश में सबका सबके लिए बराबर का इंसाफ होगा, जस्टिस आज़ादी होगी, मतलब विरोध करने की आबादी, इबादत की आज़ादी, डर से आज़ादी, इस तरह का बराबरी होगी इस देश में और मोहब्बत होगी, फ्रेटरनिटी। अब मैं बस ये शब्द कह रहा हूँ और बहुत साफ है कि इन सब से हम बहुत दूर भटक गए, तो संविधान के सभी मूल्यों से हम बहुत दूर भटक रहे हैं। और मैं कलकत्ते में हूँ, जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा 1947 में महात्मा गांधी यहीं थे, क्योंकि यहाँ नफरत का दौर चल रहा था और यहाँ उन्होंने उपवास रखा
नफरत ख़त्म हो, हिंदू मुस्लिम एकता बनी और तब से बनी रही है। मुझे लगता है कि इसी तरह से देश भर में हम लोग को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित आदिवासी सबको औरत मर्द सबको हाथ से हाथ मिला के इसको इस देश को रक्षा करें। सर इंडिया ऐलान को 2024 में कहाँ देख रहा है? ये इंडिया अलायंस को 2024 में कहाँ देख रहा है? देखिए इंडिया अलायंस एक सामान्य एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से आप सुने, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये सामान्य चुनाव इसलिए नहीं है क्योंकि अगर बीजेपी जीतेगी इस चुनाव को तो संविधान ही नहीं बचेगा। तो एक तरह से हम लोग संविधान सभा का चयन एक बार फिर 2024 में करेंगे और इसीलिए मतलब अगर इस देश से वास्तविक मोहब्बत है तो इंडिया अलायंस को एक साथ रहना होगा, अपने छोटे छोटे जो भी उनके डिफरेंसेस हैं उनको दूर करके देश को संविधान को देश के लोगों को ऊपर रखना ज़रूरी है। मेरी उम्मीद है कि वो करेंगे, इतिहास उनको कभी माफ़ नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। उसी आज़ादी के लिए आप हम और आप एक जगह पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम सारे दल जो संविधान पे विश्वास करते हैं वो इकट्ठा हो। बाकी हमारे बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, लेफ्ट कांग्रेस तृणमूल डिविजन पार्टी हर एक में अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन ये वक्त है जब पहले हम लोग इस बुनियादी लड़ाई जो आज़ादी की लड़ाई से ही चल रहा था कि एक देश किसका होगा किसका नहीं होगा और किन शर्तों पे होगा, वो जो फैसला हमने अपने संविधान में किया था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया कि ये सबका बराबर का देश होगा, हर मज़हब हर जाति हर भाषा के लोग, वो विचार वो वादा आज जो खतरे में है बहुत 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 ज़रूरी है। अगर कोई इस देश को प्यार करता है पहले उन्हें इस संविधान के ये वादों की रक्षा हर तरह से करना होगा और वो वक्त है। और बंगाल में तृणमूल पार्टी के जो भी असहमतियाँ हैं उनके विरोधी दल कांग्रेस से हो या लेफ्ट से हो, लेकिन एक ही मंच पे जो आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी बात है। और अगर इकट्ठा रह पाए चुनाव तक तो आज भी देश की ज़्यादा आबादी बीजेपी के खिलाफ है लेकिन बिखरी हुई है, इसलिए बीजेपी पावर में। सर ये सर बीजेपी आरएसएस को इस्तेमाल करें और आरएसएस बीजेपी को इसका करोड़ों किस तरह खत्म किया? देखिए आरएसएस एक तरह से जो नैतिक नेतृत्व बीजेपी को दे रही है तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है एक दूसरे के वो पूरक हैं, कोई दूसरे का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो दोनों एक ही लड़ाई में। और वो लड़ाई कम से कम 100 साल पहले जब आरएसएस बनी थी हिंदू महासभा बनी थी तब से वो लड़ाई चल रही है, उसी लड़ाई में बीजेपी भी हिस्सेदार है, आरएसएस भी है और जो अलग अलग हिंदुत्व संगठन है वो सब उसी के हिस्से हैं। इस अम्ब्रेले के नीचे साधारण लोग भी एक जगह जमा हुए हैं, इससे क्या उम्मीदें लगा सकते हैं? देखिए ये लड़ाई तो आखिर में तो साधारण लोगों को ही लड़ना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा, क्योंकि संविधान के पहले शब्द क्या है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ने अपने आप ने कोई वादे किए थे 1950, वो वादे आज हम पूरा करना चाहते हैं नहीं, कौन तय करेगा? राजनीतिक दल नहीं तय करेगा, अकेले नहीं तय कर पाएंगे, वोट अकेले नहीं तय कर पाएगा, हम भारत के लोग ही तय कर पाएंगे और वो वक्त है हम भारत के लोग। मैं हर बार संविधान को लेकर बोलता हूँ, दूसरी बात यह है कि आप समय के साथ संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन संविधान को बदलने की ताकत आपके पास नहीं है। मैंने इस बात को पहले भी जस्टिफाई कर चुका हूँ और एक बार फिर जस्टिफाई करता हूँ कि हमारे देश की संसद के पास उसमें संशोधन करने का अधिकार है, संसद और विधानमंडल एक भी हो जाए तो भी भारत देश के संविधान को बदल नहीं सकती, ये बात आप समझ। जी सर मुसलमान क्या देश खतरे में है?
आज विदेश से इतना पैसा उधार लिया जा रहा है, कर्जे पर देश चल रहा है, और उससे ये दर्शाया जाता है, विदेशी पैसे को ये दर्शाया जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। आज जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो इतना सस्ता आ रहा है, उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के जो रेट है वो आज जो है वो आसमान को छू रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं हो रहा, जबकि क्रूड ऑयल मार्केट प्राइस से सस्ता आ रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। दूसरी बात ये कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं, जिस व्यक्ति ने भारत देश का संविधान लिखा उनके पास 30 से ज़्यादा डिग्रियां थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है बाबा साहब के लिए कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब की तस्वीर ऊपर लगी हुई है, और वो कहती है कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसा स्टूडेंट, ऐसा छात्र जिसे पूरे देश में नहीं विश्व में हमारा और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया, वो हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। उनका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो आप इस देश के संविधान को हरगिज़ नहीं बदल सकते, और संविधान इस देश की आत्मा है। अगर एक व्यक्ति के शरीर से उसकी आत्मा को निकाल देंगे तो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। तो अगर आप संविधान को मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे और उतर कर एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। इस जन आंदोलन को घर में या आप जेल के जरिए आवाज़ नहीं रख सकते हैं, वो जन आंदोलन लोगों की जान से शुरू होगा और संविधान पर आकर खत्म होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। প্রচন্ড গরিব ক্ষতিকারক, তোমরা শিক্ষিত মানুষ তোমরাই বুঝতে পারছো কতটা ক্ষতিকারক আমাদের জন্য হতে পারে। এবং যেখানে আজকে যে সংবিধানে আম্বেদকর, বাবা সাহেব আম্বেদকর যে লিখে গেছিল যে আমাদের রিজার্ভেশন SC/ST কোটা সেখান থেকে কেটে আজকে 10% দিল কোথায় জেনারেল কোটায়, সেখানে আমি নিজে MP হয়ে আমরা বছরে 37,000 যে আমাদের ই দিত একটা ফর্ম করতো, যে 37,000 টাকা সেটা তার সেটা যদি নিচে থাকে তাহলে সে তোমার একটা সরকারের ই পাবে, স্টাইপেন পাবে। কিন্তু জেনারেল কোটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার 67,000 টাকা প্রতি মাসে তাদের কামাই, আর এটা হচ্ছে কোথায় তোমার 37,000 বছরে, আর এদের হচ্ছে তোমার মাসে হচ্ছে 67,000 টাকা। তাহলে তাদের রিজার্ভেশন, তাদের বছরে 8,00,000 টাকা কামাই, সে বলে গরিব, জানি না আমি কোন দেশ। আর তাহলে এই যে যারা চাইছে, এবং আমি বলবো যে সংবিধানকে চেঞ্জ করার যে প্রথম আইন এরা করছে যে SC/ST OBC-র কোনো কোটাই রাখবে না, তার এই যে অগ্নিপথ যেটা যে প্রথম যেটা চাকরির জন্য করেছে এই অগ্নিপথ হচ্ছে প্রথম শুরুয়া। মোদী বলছে अरे गुरुचार हम लोगों को सिखाया है, जो हिंदू और मुसलमान जिसका जिसका धर्म है वो अपने पास है, पहले हम इंसान हैं, तो इंसान का अगर इंसानियत नहीं आती तो वह कोई धर्म नहीं होती। এখন কেন জোট হলেন আপনারা দলিত মুসলিম আদিবাসী? দেখুন এটা আজকে না, আমরা বলছি যে হরিগুরু চাঁদ সেই সময় থেকে আমাদের প্রচুর মতুয়া ভক্ত আছে মুসলমান, এবং 36টা জাত নিয়ে একটা তসমস করে মানবতা ধর্ম দিয়েছিল হরি ঠাকুর, আমরা সেটা মানে প্রচুর মুসলমান আমাদের বাড়িতে ডাঙ্কা বাজাতে বাজাতে আছে, মতো ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাহলে আজকের জন্য না, আমরা এটা জোট করেছি ইমিডিয়েটলি, যেটা ওরা 2019-এ বলেছিল নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেবো সেটা দেয়নি, পরবর্তীকালে সেটা কী করেছে ঘুরিয়ে আবার এই যে 24-এর সামনেই 8,00,000 লোকের ওরা আধার কার্ড কেটে দিচ্ছে, এবং বগুড়ায় অনেকে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। তাই আমরা আজকে ভারতবর্ষকে বাঁচানোর জন্য, সংবিধানকে বাঁচানোর জন্য, এবং নিঃশর্ত নাগরিকত্ব বাঁচানোর জন্য আমরা এই লড়াইতে নেমেছি। শুনুন, সে থাকতেই পারে, শুনুন যদি আপনার 5টা ভাই থাকে, আপনার বংশ থাকে, তা থাকবেই, সেখানে থাকতেই পারে, যে যাকে পছন্দ করবে সেটা থাকবে। হিন্দু মুসলিম সবলিনে মিলকর আজাদি হাসিল কি দিয়ে আজ নফরত কে জরিয়ে আগে তোড়া যা রহা, আপ ক্যা কহনা চাহেঙ্গে? इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोदी नहीं समझते, अमित शाह नहीं समझते, क्योंकि जो मिलकर रहने में जो आनंद है वह दुनिया में कुछ नहीं होता। और यह है क्या है, धर्म निरपेक्ष भारत, जब देश स्वाधीन हुआ था तो क्या हुआ था, आप कोई हिंदू है, कौन मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, क्या है, पहले तो हम इंसान है। अगर कोई इंसान को अगर इंसानियत नहीं आते, उसका हम सम्मान नहीं कर सकते, तो देश में तो होंगे ही बंटवारा होंगे, एक एक करते करते तो सब कुछ चलेगा ना। और एक किसको दे रहे हैं, नीरव मोदी एक लेके गए पैसा, साहब उसको नहीं उसको मालूम क्या बोल रहे हैं, कि मैं तो हाईकोर्ट में बता दिया कि 13,000 करोड़ रुपए हम जो लिया था सब बोल रहे,
32% मेरे को मिला, सब बीजेपी ने लिया, बीजेपी जितना पैसा वो लेकर क्या कर रहे हैं, पार्टी बना रहे, तो आज क्या है, अदानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं और गरीब हो रहे हैं। कहा जाता है कि टीएमसी जो है बीजेपी के बी पार्टी है, क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए वो सब मैं आज मैं वो सब नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो बता रहे हैं तो आज बार बार ये सीबीआई ये बीटी में या सीटी में उसको नहीं पता। आज जो जोड़ बने, हम लोग चाहते हैं, ममता बनर्जी दीदी भी चाहते हैं कि देश को बचाने के लिए मोदी को हटना चाहिए। अपना ऐक्यबद्ध आज के बोले वोट फॉर इंडिया, আমি আরো একবার জিজ্ঞেস করছি, এর অর্থ কি কোনো রাজনৈতিক? না না, এটা রাজনৈতিক নয়, এটা টোটালটাই সামাজিক এবং বিভিন্ন সংগঠন, সেই সংগঠনের মাধ্যম দিয়ে একটা নাম সেটা কেন ধার্য করছে। ভোট মানে, ভোট মানে আমার ভোটের অধিকার, আর ভারত মানে আমার দেশ, তাকে রক্ষা করা, ভোট ফর ইন্ডিয়া মানে হচ্ছে আমার ভোটকে রক্ষা করার জন্য আমরা এই লড়াইটা আজকে সংগঠনে এই নামটা দিয়া। স্যার স্যার ये जो आज की रैली और आज जो इतने सारे स्पीकर आए थे, ये कितनी ज्यादा कामयाब रही? ये बहुत कामयाब रही, क्योंकि हमारे जो काम, हमारा जो काम था वो लोगों तक बातें पहुँचाना था। आज मुल्क का जो हालात है, आज जो स्थिति में हम लोग आ गए हैं, आज कोई भी आज़ाद नहीं है, आज आज़ादी छीनी जा रही है। आज देखिए, आज दिल्ली का न्यूज़ ये है कि आज के डेट में 25 लोगों को UAPA लगा दिया गया, अभिसार शर्मा जैसे लोगों को भी उन लोगों ने दिल्ली पुलिस ने बैठा करके रखा। बताइए, ये लोग जो सच बात बोलने वाले हैं उनके मुँह में ताला लगाया जा रहा है, और जो नागरिक है उनको बोला जा रहा है कि तुम नागरिक नहीं हो, तुमको नागरिकता देने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। तो ये आज का हमारा जो मौजूद था, हमारा ये प्रोग्राम को जो मकसद था, ये मकसद ये था कि NRC के नाम पे पूरे हिंदुस्तान को ये लोग जो है ख़त्म करने वाले हैं। आज मॉब लिंचिंग हर जगह हो रहा है, मणिपुर का हालत देख लीजिए, मेरे दो बहन को पैरेड कराया गया, नेकेड पैरेड कराया गया, उसके बाद में वहाँ पे रेप किया गया उनके साथ में, उसके बाद में देख लीजिए कि एक बहन को ऐसा हुआ कि उसके बाप को, भाई को उसके सामने मार दिया जाता है, उसका रेप किया जाता है। नौ साल बना के रखा, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में ये जो हमारा है तमाम मजहब से तमाम के लिए इक्वलिटी जो है इसको ख़त्म कर देने के लिए, उसके बाद में जो लोग दलित आदिवासी माइनॉरिटीज, इसलिए माइनॉरिटीज़ को दिखा करके तमाम लोगों के साथ, मैं बताइए आज के डेट में मुल्क के अंदर में क्या है? आज दलित बच्ची बच रही है, आज क्या क्रिश्चियन की बच्ची बच रही है, आज क्या एक आदिवासी के ऊपर में पेशाब नहीं किया जा रहा, आज क्या मुल्क के अंदर में, देश के अंदर में क्या ये नफरत का माहौल हर एक के साथ नहीं हो रहा? सिर्फ मॉब लिंचिंग शुरू हुआ था मुसलमानों के साथ, यहाँ हर चीज़ मुसलमानों के साथ शुरू होगा, ख़त्म दलित आदिवासी और दूसरे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के साथ में। ये मुल्क को तमाम चीज़ को ये जो है ना अपना ये अपना समीकरण बना रहे हैं कि तमाम लोगों को, दबे कुचले लोगों को, कमज़ोर लोगों को जो है वो दबा कर रखे हैं। यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल है, ये बात हम तमाम लोगों को बताते हैं, लेकिन ज्यादातर खून देने वाले वो होते हैं जो जिंदा रहते हैं। आज हमारे समाज में जो जिंदे लोग हैं वो यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने अपना तमाम काम काज को छोड़कर लोगों को जगाने के लिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग नहीं था, ये किसी को पैसे देकर के बुलाया हुआ मीटिंग नहीं था। जो लोग इस बारिश में जितने भी लोग आए वो समझ लीजिए बहुत कम आए, लेकिन फिर भी जो लोग आए उनको हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने हमारी बातों को भी सुना। जब हम लोगों ने स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग किया, वहाँ हज़ारों हज़ारों लोग जो है वहाँ खड़े होकर सुन रहे थे बात हमारे, ये आपके चैनल से, बहुत सारे चैनल से जो हम लोगों ने देखा। आज बारिश के कारण लोग घर से नहीं निकल पाए, और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ, हमारा वक्त जो है तय वक्त जो है वो डिले हो गया, जिसके कारण बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, लेकिन कल जब हम दोबारा करेंगे, मौसम अच्छा रहेगा, तो वादा करते हैं आपके चैनल में, उम्मीद है कि अगर ऊपर वाला का साथ रहा तो कम से कम लाख लोग जो है, कम से कम 1 लाख लोग जो है शहर कलकत्ता में जहाँ हम लोग चाहेंगे वहाँ पहुँचे, और उसके बाद हर घर से हर घर तक हम लोग जाएंगे, हर लोगों तक जाएंगे, हर मदद के लोगों तक जाएंगे, उनको समझाएंगे। जो लोग समझ गए वो तो आ रहे हैं, जो नहीं समझे हैं उनको भी हम लोग समझाएंगे जाकर के, ताकि उनके दिमाग, उनके जहन को क्लियर किया जाए। देखिए ऐसा है कि सरकार ने जो बिल लाते हैं, जो कानून लाते हैं, इनके पीछे का एक मकसद होता है, ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सामने चुनाव आ रहा है, आपको मैं बता दूं जो नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, इसमें कई हजार लोगों की नागरिकता, कई लाखों लोगों की नागरिकता जाने वाली है। इसके तहत हम लोग संविधान बचाने का एक आयोजन कर रहे हैं, जो बंगाल की धरती से शुरुआत कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूँ बंगाल में, और यहाँ इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन का हिस्सा बनकर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ।
सर आपको क्या लगता है जब से बीजेपी की सरकार आई है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव आए? देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहली बात ये संविधान मानते नहीं है। जहाँ एक तरफ ये संविधान को गाली देते हैं वहीं फंसने पर संविधान का सहारा लेकर बचाव का काम करते हैं। तो ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से संविधान खत्म हो जाए। संविधान खत्म होने का मतलब है आम आदमी की आज़ादी, जो उनको हक और अधिकार मिलता है बोलने का, सुनने का, काम करने का, वो अधिकारी का हनन करने का काम। ये अधिकारों को छीनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को गुलामी बना करके उनसे काम करवाना, उनसे अपनी चीज़ों को मनवाना। क्योंकि अगर पढ़ी लिखी जनता समझदार हो जाएगी तो ये सरकार हर 5 साल में बदलती रहेगी, और जो कि ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती। ये जैसे कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, ये चाहती है कि ये 700 साल राज करे। इसलिए हिंदुस्तान की जनता को अनपढ़ बनाना चाहती है, इनको जाहिल बनाना चाहती है, और इनके मानसिकता को हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति को दे करके ये एक दूसरे को लड़ाना चाहती है। मणिपुर में केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य सरकार है, जिम्मेदार कौन है मणिपुर जो 5 मिनट? देखिए मणिपुर की घटना को लेकर के मैं बताता हूँ। वहाँ के मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि ऐसी घटनाएं तो रोजाना होती रहती हैं, ऐसे बयान देने वाले मुख्यमंत्री के ऊपर केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये दोनों जिम्मेदार हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जहाँ एक बहुत बड़ी घटना थी, ये घटना के कुछ दिन बाद ये वायरल हुआ तो इस घटना के बारे में पता चला, और मुख्यमंत्री का एक प्रकार का बयान केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई ना होना इस बात का साफ साफ सबूत करता है कि ये दोनों एक ही मानसिकता के लोग हैं। सत्ता में बैठे लोग, राज्य में बैठे लोग और केंद्र में बैठे लोग एक ही पार्टी के नेता हैं, एक ही पार्टी के मंत्री हैं। ये कोई कार्रवाई नहीं की, इससे साफ साफ पता चलता है कि ये जनता को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख समझते हैं, दो कौड़ी के भाव समझते हैं। इनसे कुछ होने वाला नहीं, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या लगता है सबका कहना है? आज जो स्पीकर्स आए हुए थे बड़े बड़े, अंबेडकर जी ने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। बिल्कुल खतरे में। जैसे संविधान हमारी रक्षा करता है वैसे हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी संविधान की रक्षा करें। संविधान रहेगा तो हम रहेंगे, हम रहेंगे तो हम अपने हक अधिकारों के लिए बोल पाएंगे, हम पब्लिक के लिए लड़ पाएंगे, हम आपके लिए लड़ पाएंगे। और ये संविधान नहीं रहेगा तो हमें बोलने की आज़ादी, हमें सुनने की आज़ादी, जो हमें एक फंडामेंटल राइट जो आज़ादी दी गई है वो आज़ादी हमसे छीन ले जी जाएगी तो आप समझिए कि एक आम आदमी एक लूला लंगड़ा किया बराबर हो जाएगा। क्या लगता है कि जैसा ने कहा कि पढ़े लिखे लोग नौकरी से निकाल दिया गया, आपको क्या लगता है अगर पढ़ा लिखा लोग नहीं है तो? देखिए पढ़े लिखे लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन कभी कभी होता ना कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा समझदार वो गर्त में जाते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं उनका भी जिम्मेदार है कि अपनी ऐसी हालत बनाने पर। हम तो कहते हैं कि आप खुद समझदार हैं, आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है। जो आपके हितों के लिए, जो आपके समाज के लिए, जो आपके अधिकारों के लिए बात कर रहा है, जो आपके लिए लड़ रहा है, आप उसको चुनिए, उसको सदन में भेजिए। आप ऐसे लोगों को मत चुनिए जिनको जाने के बाद आपको शकल ना दिखाए और आपको अपनी बात कहना हो तो वो आपको मिलने के लिए सालों साल टाइम लगा दे। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं इस बार इंडिया को वोट दिया जाए? देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई विकल्प है तो एक इंडिया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में तमाम दल इंडिया के तमाम दलों के साथ आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया इस समय भारी पड़ रही है क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से अपना एक एटमॉस्फेयर तैयार करके लोगों के सामने रखा है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री मटेरियल तैयार हो रहा है जो गरीब की बात जानता है, आम आदमी की बात जानता है, हर किसी के पास बैठ करके हर किसी के हालातों को समझ रहा है, और ऐसे हालात को समझने वाले को मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे। पैगाम देना जो जिस तरह से हमारा बीजेपी सरकार, राष्ट्रीय सरकार जिस तरह से व्यभिचार, जिस तरह से हिल्लाड़ी शासन चला रहा है, इसको रोकने के लिए हमको सब एकजुट होके पूरा देश को बचाना पड़ेगा, देश को संविधान को बचाना पड़ेगा। देश को बचाने के लिए एक ही बात है, आपको ये जो हिल्लाड़ी सरकार है, मोदी जी का सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं। कुछ भी कीजिए, वो लोग कैसे भी प्लानिंग करके आइन कानून बना के उसको तोड़ देगा, इसलिए इसको कुर्सी से हटा के फेंक दीजिए, अपना आप ही सरकार पूरा देश बच जाएगा, संविधान बच जाएगा, सब कुछ बच जाएगा। सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई बहनों के लिए प्रॉब्लम होगा, सबसे ज्यादा पूरा देश को तो होगा ही होगा, उससे सबसे ज्यादा यूजीसी लागू होगा तो मुस्लिम जो हमारा जो देश का जो मुस्लिम है माइनॉरिटी है उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हिंदू मुस्लिम का बात करके देश को तोड़ देना चाहता है। उनको पूछिए ना, जो हमारा फौज में नौकरी करता है, फोर्स में नौकरी करता है, तो एक ही थाली में हिंदू मुस्लिम खाना खाता है,
तो विभेद क्यों? इनका खून से अलग नहीं है। जब किसी को गोली लग जाता है तो क्या करता है, सीधा कोई दूसरा आदमी, दूसरा इंसान का, दूसरा जवान का खून उसके ऊपर दिया जाता है। वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, किसी को नहीं पता। तो इस तरह से जो देश का स्थिति बना रहा है मोदी जी का सरकार, हिटलरी सरकार, इसको मुंह तोड़ अपन को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए पूरा देशवासी से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, आप लोग सब आइए, एकजुट होके, जवान, किसान, मजदूर सब मिलके एकजुट होके, माइनॉरिटी सब एकजुट होके इनको विरोध करके इनको कुर्सी से भगाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है।